गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी दूसरी कक्षा में हो। हाँ, और हमारा अभी पीरियड है हिंदी का। तो इसके पहले हिंदी के पीरियड में हमने कुछ सीखा था। तो हमने क्या सीखा था? तो हमने सीखा था आ की मात्रा। हाँ बच्चों, आ की मात्रा। तो आ की मात्रा हमारा पाठ दूसरा है। तो आ की मात्रा हमने आ की मात्रा किस तरह वर्ण के साथ आती है, वो व्यंजनों के साथ किस तरह से लगती है, ये सबने हमने सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था कि बोल बोल कर पढ़ो इसमें से कुछ शब्द थे और इसमें आ की मात्रा किस तरह से आती है, ये हमने सीखा था। तो बच्चों, अभी आपके जो आपके पास जो नोटबुक है ये इस प्रकार की होगी। हाँ, और उस पे दो रेशे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के नोटबुक में आपने लिखा होगा कि आ की मात्रा। तो फिर क से च तक मैंने आपको आ की मात्रा किस तरह से लगती है ये दिखाया था और आपको होमवर्क दिया था कि छ से लेकर श्र तक आ की मात्रा लगाओ। तो आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया है। वेरी गुड, सबका हो गया है। वेरी गुड। इसके बाद हमने देखा था कि ये शब्द किस तरह बनते हैं। तो ब प्लस आ की मात्रा प्लस ग इज इक्वल टू बाग। तो ये सब शब्द आपको लिखने थे। आप सभी ने लिखे हैं? हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने देखा था कि राजा बाजार गया। हमने क्या सीखा था? राजा बाजार गया। और इन सभी पंक्तियों में हमें बहुत सारी आ की मात्रा दिखाई देती है। तो आपको क्या करना है, ये आपको मम्मी को पढ़कर सुनाना है। तो आपने सुनाया? वेरी गुड। तो इसके आगे हम क्या करने वाले हैं मालूम है आपको? आप हाथ में पेंसिल ले लो और पढ़ते समय जहाँ जहाँ पे ये लाल रंग की आ की मात्रा आपको दिखाई देती है वहाँ पे आप सर्कल करोगे। इतना बड़ा सर्कल नहीं करेंगे, छोटा सा सर्कल करेंगे जहाँ पे आपको ये आ की मात्रा दिखाई देती है। कर लिया सबने? वेरी गुड। अब माँ के पास बैठो, उसको ये पढ़कर सुनाओ और पढ़ते समय इस पर आप पेंसिल के साथ गोला बनाओ, ठीक है। इसके बाद आज हम देखने वाले हैं कुछ अलग। ये जो राजा बाजार गया था उसने बहुत सारी मौज मस्ती की है। उसने बाजार से कुछ तो खरीद कर लाया था, उसने कुछ खाया था, उसने कई सारे काम किए थे ना। हाँ, तो वही आज हम अभ्यास में छुड़ाएंगे। तो यहाँ पे पेज नंबर 16 पे यानी कि 16 पेज पर ये लिखा हुआ है अभ्यास। क्या लिखा हुआ है बच्चों? अभ्यास। तो ये अभ्यास हम आज छुड़ाएंगे। तो ये कहाँ पे छुड़ाएंगे? तो जो आपकी ये बुक है, हाँ, तो इस बुक पे आप छुड़ाओगे पेंसिल के साथ। तो हमारा अब बताओ ये पहला सवाल है। हमारा पहला सवाल कौन सा है? अब बताओ। तो आपको ये सवाल के जवाब बताने हैं और आपके नोटबुक पर को लिखना है। लेकिन कैसे लिखेंगे? इन गुड हैंड राइटिंग, सुंदर हस्ताक्षर में आप लिखेंगे। तो आपकी नोटबुक कैसे दिखेगी? बहुत ही सुंदर दिखेगी, है ना। तो चलो हम पहला सवाल देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है राजा कहाँ गया। तो ये राजा है वो कहाँ गया था, कौन बताएगा मुझे? आपको मालूम है राजा कहाँ गया था? हाँ, तो राजा बाजार गया। राजा कहाँ गया? राजा बाजार गया। वेरी गुड। उसके बाद आपका दूसरा सवाल है राजा बाजार से क्या क्या लाया। देखो यहाँ पे, राजा बाजार से क्या क्या लाया। राजा ने बाजार से कुछ तो लाया है ना। हाँ, तो इसका सही सवाल का जवाब है राजा ने बाजार से लाल अनार और
लाल रंग के थे। आपने देखे हैं अनार के दाने छोटे छोटे होते हैं, उसमें कैसे होते कलर उसका लाल रंग होता है और वो बहुत ही मीठे लगते हैं, खट्टे मीठे लगते हैं, है ना। हाँ, तो हमारा तीसरा सवाल क्या है बच्चों, अनार कैसे थे? तो इस सवाल का जवाब है अनार लाल। तो ये पहला चित्र कौन सा है? टमाटर।
बैंगन का। वेरी गुड। उसके बाद ये क्या है? ये क्या है? चाबी है इधर, और ये चाबी किसकी है? ताला। हाँ। उसके बाद ये क्या है कटोरी में? आपको अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। हाँ, ये है हलवा। उसके बाद ये है अचार। हाँ, आपको रोटी के साथ अचार बहुत अच्छा लगता है ना? तो ये अचार। तो पहला शब्द क्या बनेगा? टमाटर। उसके बाद ताला। तीसरा शब्द है हलवा, और चौथा शब्द है अचार। तो बच्चों, आप ये देखते पेज टर्न करोगे तो आपको दिखाई देगा पेज नंबर 18, यानी कि 18। इसमें आपको नाम पूरे करने हैं और रंग भरने हैं, बिल्कुल आसान। देखो, नाम पूरे करो और रंग भरो। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है? 8। तो यहाँ पे आपको आ लिखना है। ये कौन सा चित्र है? क्लाउड्स और बर्ड्स कहाँ पे होते हैं? कहाँ पे होते? आसमान में। हाँ, तो आपको यहाँ पे लिखना है आ। तो यह शब्द कौन सा बनेगा? आसमान। वेरी गुड। और ये क्या है? बहुत ही अच्छा है, मीठा लगता है। हाँ, ये है आइसक्रीम। तो यहाँ पे भी आपको आ लिखना है। ये आ लिखने के बाद ये 8 अंक में, ये आसमान में, और ये आइसक्रीम में आपको कलर्स फील करने हैं, आपको कलर भरने हैं। इन चित्रों को आपको कलर करना है अच्छे से। जो भी कलर आपको पसंद है वो अच्छे से भर दीजिए, सिर्फ काले रंग का इस्तेमाल नहीं करने का। बादल और आसमान नीले रंग का होता है। 8 नंबर में आप कोई भी कलर, आपको जो अच्छा लगता है वो भर सकते हैं, और आइसक्रीम में भी। हाँ, तो यहाँ तक हमारी पढ़ाई हो गई है। इसके बाद देखो, सवाल नंबर है 6, यानी 6 नंबर। यहाँ पे क्या लिखा है? देखो, ऊंची आवाज में पढ़ो और समझो, यानी कि ये हमारा होमवर्क है। क्या होमवर्क है? ये जो शब्द दिए हैं, 3 शब्द है। ये 3 शब्द आपको आपके मम्मी के साथ, भैया के साथ या दीदी के साथ पढ़कर पढ़ने हैं, जोर से बोलने हैं। किस तरह बोलने? देखो, हाँ, मैं दिखाती हूँ। कल, काल, काला। जग, जाग, जागा। नग, नाक, नागा। बल, बाल, बाला। जल, जाल, जाला। चर, चार, चारा। तो यहाँ पे 3 और 3 टोटल 6 शब्द दिए हुए हैं। तो ये 6 शब्द आपको अच्छी तरीके से जोर जोर से बोलने हैं, तो आपको आपकी मात्रा समझ में आएगी। इसके बाद हम देखेंगे एक सुंदर सा गाना जो पेज नंबर 19 पे है, 19 यानी कि 19। तो इस पे आप देखो, एक बछड़ा है। बछड़ा किसे कहते हैं? हाँ, गाय का जो छोटा पिल्ला होता है उसको हम बछड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, भागम भाग मचाता बछड़ा। एक बछड़ा है जो छोटा सा है, और वो क्या करता है? भागम भाग करता है, यहाँ वहाँ दौड़ता है और धूम मचाता है। हाँ, तो ये जो भगवती प्रसाद द्विवेदी जी की एक कविता है, और ये कविता आपको तान सुर में अच्छे से आपके मम्मी के साथ गानी है, ठीक है? तो ये भगवती प्रसाद द्विवेदी जी की ये जो कविता है, ये आपको अच्छे से 2 बार, कितनी बार? 2 बार अच्छे से गानी है, ठीक है? उसके बाद हम करेंगे आगे की पढ़ाई। हाँ, आप बोर हो गए हो? नहीं ना? हाँ, तो हमारी हमारा
के जवाब लिखे हैं। उसके बाद हमने अभ्यस्त उड़ाया, सब अभ्यस्त उड़ाया। हाँ, उसके बाद हमने देखा बछड़ा ने क्या धूम मचाई। हाँ, और ये गाना आपके मम्मी के साथ आपको गाना है। अब बारी आती है वर्कशीट की, पर वर्कशीट की टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और मेरे दूसरी कक्षा के बच्चे बहुत ही होशियार है ना होशियार? हाँ, तो अच्छे से ये छुड़ा सकते हैं, छुड़ा सकते हैं ना? हाँ, तो अभी आप हाथ में पेंसिल ले लो, वेरी गुड। और यहाँ पे देखो कि ये हमारी आज की वर्कशीट है, ये वर्कशीट है आपकी मात्रा की। तो यहाँ पे आपका क्लास लिखा हुआ है, हाँ, अब हमारा सब्जेक्ट लिखा है और आपको आपका पूरा नाम लिखना है। हाँ, तो आपका पूरा नाम क्या है? तो पहले आपको पहले अपना खुद का नाम लिखना है, उसके बाद आपके पिताजी का नाम लिखना है और उसके बाद आपका सरनेम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वर्कशीट है, हमारे स्कूल का नाम ऊपर लिखा हुआ है। हमारे स्कूल का नाम क्या है? रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खेर। हाँ, तो ये अभी आपको अच्छे से वर्कशीट छुड़ानी है। तो हमारा पहला सवाल है, ओ एक आ की मात्रा पर गोल बनाओ। जहां जहां पे आप आ की मात्रा देखेंगे वहीं पर आपको गोल बनाना है। मैं एक आपको करके दिखाती हूँ। देखो बच्चों आपको क्या करना है। तो पहला सेंटेंस क्या है, पहली पंक्ति क्या है? राजा बाजार गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कौन सा वाक्य लिखा हुआ है? देखो, राजा बाजार गया। राजा कहाँ गया? राजा बाजार गया। और ये तीन शब्दों से हमारा वाक्य तैयार होता है। तो इन तीन शब्दों में जहां जहां पे आ की मात्रा है वो पहले हम अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पे रो के साथ है, ये ज के साथ है, यहाँ पे दो बार है। ब के पास है, ज के पास है, यहाँ भी दो बार है। और यहाँ गया ई शब्द में एक बार है। तो ये जो पांच बार आपकी मात्रा आई हुई है हमारे पहले वाक्य में, तो हमें सिर्फ ये मात्रा को गोल करना है। इसको गोल करना है, ये मात्रा को इस तरह से अच्छे से और पेंसिल के साथ हमें गोल करना है। ठीक है, आपको पूरे शब्द पर गोल नहीं बनाना। ये राजा शब्द यहाँ पे है इस तरह से, और इसमें दो बार आई हुई है आपकी मात्रा। तो आप सोचेंगे यहाँ पे दो बार आई है तो हम पूरा शब्द इस तरह से गोल करेंगे, तो ये गलत बात है। आपको इस तरह से अच्छे से सही तरीके से आपकी मात्रा पर गोल बनाना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा वाक्य है, आम लाया बाजा लाया। तीसरी पंक्ति है, लाल लाल अनार लाया। चौथी पंक्ति है, गाजर का हलवा लाया। और इसके लिए आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। कितने अंक मिलेंगे? 6। उसके बाद सवाल है दूसरा, नाम पूरे कीजिए और रंग भी भरिए। तो ये कौन सा पिक्चर है, ये कौन सा चित्र है आपको मालूम है? हाँ, और ये भी कौन सा पिक्चर है आपको मालूम है? तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको इसका नाम पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको है 4 अंक, 4 मार्क्स है। तो सब मिला के कितने मार्क्स हुए? 10। तो मेरे बच्चे इतने होशियार है कि ये वर्कशीट जो है अच्छे से छुड़ाएंगे। और सब बच्चों को इतने मार्क्स मिलने वाले हैं, बताओ बताओ? 10।
दस में से दस। तो सभी को ये पांच चाहिए ना? हाँ, तो आप अच्छे से ये वर्कशीट चुरा हो। मैं आपको दस में से दस अंक दूंगी, लेकिन आपको ये वर्कशीट अच्छे से चुरा लेनी है। जिन जिन बच्चों को दस में से दस मार्क्स चाहिए और क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए? हाँ, स्टार भी चाहिए, मुझे मालूम है आपको चाहिए बड़ा स्टार, तो मैं आपको बड़ा स्टार दे दूंगी। लेकिन ये वर्कशीट आपको अच्छी तरीके से चुरानी है। तो बच्चों, आज हम यहीं तक ही रुकेंगे, इसकी आगे हम पढ़ाई बाद में करेंगे। आज तक हमने क्या किया, आप सभी को